हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है मे का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा, कहां यूज होगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, मे का हिंदी अर्थ भी सकता हूं होता है, जिस तरह से कैन का होता है, कैन और मे। लेकिन इनमें एक अंतर है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो, मे का प्रयोग कहां होगा, चार कंडीशन मैंने यहां पर रखी है। कंडीशन वन है अनुमति लेने के लिए। अगर हम किसी से अनुमति लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वहां मे का यूज होगा। दूसरा, संभावना व्यक्त करने के लिए। जब हम संभावना कहीं पर व्यक्त हो किसी वाक्य में, वहां मे का यूज होगा। दूसरा, शुभकामना आशीर्वाद किसी को देने के लिए या किसी को अभिशाप देने के लिए, इनके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। और चौथी कंडीशन है उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, कि हम जब भी अपना उद्देश्य व्यक्त करना हो उसके लिए। अब देखिए, पहली कंडीशन है अनुमति लेने के लिए। अब अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग कैसे होगा, जब हम किसी से विनम्रता से कोई बात कहते हैं, अनुमति लेते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां मे का प्रयोग होगा। मित्रों, किस अवस्था में होगा, जब, याद रखना है, ध्यान देना है आपको, जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, जब हिंदी वाक्य होगा और उसकी वर्ब के अंत में जो है सकता है, सकती है, सकता हूं, ये शब्द आ जाए, या क्रिया के अंत में बड़े ऊ की मात्रा आई हो और अर्धचंद्र का बिंदु आया हो, ठीक है। एंड में जो है, क्रिया के लास्ट में, या तो ये कंडीशन होगी कि बड़े ऊ की मात्रा है और अर्धचंद्र का बिंदु है, और उसमें भाव क्या होगा, अनुमति लेने का होगा, तो वहां पर मे का यूज होगा। हमारे पास जो इसका रूल है वो है, पहले मे आएगा मित्रों, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आएगा। देखो कैसे इसको बनाया जाए। एक सेंटेंस है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो मित्रों सबसे पहले क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो मे का यूज होगा, तो मे। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, मे आई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, मे आई गो, और बाहर के लिए आउट, मे आई गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूं, हम किससे विनम्रता से बोल रहे हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूं, तो कैसे, देखेगा फॉर्मूला यही रहेगा, रूल यही होगा, इसी को फॉलो करना है हमें। सबसे पहले मे, सब्जेक्ट कौन है, आई, मे आई, अब काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, जानना, तो मे आई हैव, मे आई हैव, हम नो भी लिख सकते हैं, मे आई हैव, मैं जान सकता हूं, और क्या जान सकता हूं, आपका मोबाइल नंबर, तो योर मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर। मोबाइल नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, देखिए लास्ट में क्रिया के अंत में सकता हूं, सकते हैं आ रहा है हर वाक्य में, और इसमें क्या है, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इंग्लिश क्या बनेगी, क्या के लिए मे आ गया आएगा, मे, फिर आई, मे आई, और काम क्या हो रहा है, इस्तेमाल करना, यूज, मे आई यूज, और क्या पेन, क्या यूज कर सकता हूं, आपका पेन, तो यूर पेन, मे आई यूज यूर पेन। इसी तरह से क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं, तो मे आई नो यूर गुड नेम प्लीज। हम इनके पीछे प्लीज भी लगा सकते हैं, इससे हमारी विनम्रता जो है वो झलकती है, तो हम इसके पीछे हर किसी के, जैसे ये वाक्य है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट प्लीज, इस तरह से हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे। देखिए अब क्या है, ये तो सकता है, सकती हूं जब आए, और अनुमति का बोध हो, यहां पर भी अनुमति का बोध हो रहा है, लेकिन इसमें जो है वर्ब के एंड में बड़े ऊ की मात्रा आएगी और अर्धचंद्र का बिंदु आएगा। देखो जैसे, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, हम किससे अनुमति ले रहे हैं, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, तो इंग्लिश किस तरह से बनेगी, मैं इन वाक्यों में भी शुरू में आएगा, यानी कि मैं, एम ए वाई, मे आई, फिर वर्ब आएगी सिट, और यहां हेयर,
मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहां से जाऊं। फिर हमने किससे अनुमति ली, क्या भाई मैं यहां से जाऊं, तो फिर से वो मे सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स। यही आपको रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट कौन है, आई, मे आई, अब काम क्या हो रहा है, जाने का, तो मे आई गो, और यहां से फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या मैं आपसे चंद सवाल पूछूं, क्या मैं आपसे चंद सवाल पूछूं। फिर से हमने क्या करना है, मे आगे लगाना है, मे आई, मे आई, अब काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, पूछूं, ऊ की मात्रा देखिए आई है और अर्धचंद्र की बिंदु, और विनम्रता से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब का यूज करेंगे यहां पर, वर्ब क्या है, पूछना, तो आस्क, मे आई आस्क, और किससे पूछूं, आपसे, मे आई आस्क यू, और चंद सवाल, अ फ्यू क्वेश्चन, अ फ्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास जो है ये पहली कंडीशन है, जब हम किसी से अनुमति लेते हैं, किसी से भी कुछ भी, मैं यहां बैठ जाऊं, क्या मैं आपके साथ आऊं, इस तरह से जब भी हम किसी से अनुमति लें, क्या मैं आपके भाई के साथ खेलूं, तो इस तरह से जब हम अनुमति लेंगे मित्रों, तो मे का यूज आगे होगा, दो कंडीशन में, या तो सकता है, सकती हूं वर्ब के एंड में आएगा, या तो वर्ब के एंड में बड़ी ऊ की मात्रा और उसके ऊपर अर्धचंद्र का बिंदु आएगा। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है जब किसी वाक्य में संभावना व्यक्त की जाए, कोई भी संभावना हो, यानी कि किसी काम को उम्मीद जो हो उस काम को करने की 50-50 हो, यानी कि काम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि हो भी सकता है वो काम और नहीं भी हो सकता है, वहां पर जब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है हो भी जाए ये काम और ना भी हो, तो उस स्थिति में जो है मित्रों हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन अब ये समझना कि अब हिंदी में, हिंदी वाक्यों में जब किसी भी वर्ब के अंत में सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, ये शब्द आए, आपको वर्ब देखनी और सकता हूं, सकते हैं, ये शब्द आए और वहां पर क्या हो रहा हो, वहां पर संभावना का, संभावना व्यक्त की जा रही हो, तो हमें मे का यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू देखेंगे, देखिएगा इसमें हमारा रूल वही हमें फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा, वह आज रात यहां आ सकता है, मतलब क्या है मतलब यह है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आएगा आज रात, वह आज रात आ भी सकता है मतलब, और नहीं भी आ सकता है। इंग्लिश कैसे बनेगी, वह, वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही, फिर उसके बाद देखिएगा ही मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, आना, ही मे कम, ठीक है, और यहां आ सकता है, तो यहां की इंग्लिश हेयर, He may come here tonight, आज रात, tonight। Next sentence है, उन्हें आने में देर हो सकती है, उन्हें आने में देर हो सकती है, अब देखिएगा उन्हें आने में देर हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि देर ही होगी, हो सकता है वो आ जाएं, ठीक है, संभावना व्यक्त हो रही है, तो कैसे इंग्लिश बनेगी, उन्हें आने में सब्जेक्ट दे, उसके बाद मे हो जाएगा, दे में बी, बी माने होना, बी लेट, और देखिए दूसरी वर्ब क्या है हमारे पास, आने में, तो टू कम, टू कम माने आने में देर हो सकती है। देखिएगा वह घर पर हो सकता है, संभावना है, हो सकता है घर पर ना भी हो, तो सब्जेक्ट पहले आएगा मित्रों, रूल यही फॉलो करना है हमारे पास, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे आ जाएगा, देखते रहिए आप मे, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घर पर होना, तो ही मे बी, बी माने होना, घर पर, एट होम, एट होम। ये अगला सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिप्लाई आप जरूर दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है उद्देश्य के लिए, जब हम कोई उद्देश्य व्यक्त कर रहे हो मित्रों, हमारा कोई उद्देश्य हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पहले हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे यह है, मैं मेहनत करता हूं ताकि
अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, यानी कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, यानी कि मेरा मेहनत करने का जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है मित्रों, वो उद्देश्य है कि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, कुछ कर सकूं, उसका उद्देश्य है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये ताकि शब्द से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ताकि जो है वो कंजक्शन का काम करता है, और ताकि के लिए हम दैट का यूज करते हैं और सो दैट भी यूज करते हैं। तो हम सो दैट ज्यादा बेस्ट होता है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो सो दैट का हम यूज करेंगे। अब पहले, अब इसको बनेगा कैसे, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, रूल हमारे पास यही है। पहले सेंटेंस, सेंटेंस मतलब आगे के वाक्य की इंग्लिश बनेगी, उसके बाद सो दैट लगाएंगे मित्रों, फिर सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। देखिएगा कैसे, मैं मेहनत करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर वर्ब आई वर्क हार्ड। अब क्या है, ताकि, ताकि के लिए सो दैट, so that, अब क्या होगा सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, देखो यहां पर दिया नहीं है लेकिन सब्जेक्ट तो मैं ही हूं भाई, मैं हूं, मैं मेहनत करता हूं ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, अर्थात मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो दैट आई, आई फिर मे, आई मे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम क्या हो रहा है, प्राप्त करना, गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके, हम खाते हैं क्योंकि उसका, हमारा उसका उद्देश्य क्या है, जीवित रहना, तो हम खाते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनेगा हम खाते हैं वी, फिर ईट वी ईट, ताकि के लिए मित्रों सो दैट, सो दैट मैंने ताकि, और जीवित रह सके मतलब हम जीवित रह सके, तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारे पास, वी, वी माने हम, वी, और फिर उसके बाद मित्रों मे, वी मे। अब वर्ब क्या है, वर्ब काम क्या हो रहा है, जीवित रहना, तो मे लिव, एल आई वी ई लिव। इस तरह से एक सेंटेंस दिया है मैंने, मैं रोज व्यायाम करता हूं ताकि स्वस्थ रहूं या स्वस्थ रह सकूं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, कमेंट बॉक्स में इसका भी मुझे रिप्लाई देना है, ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन मे के यूज की, मे के यूज की फोर्थ कंडीशन क्या है, जब किसी वाक्य में हम जो है किसी भी व्यक्ति को दुआएं दें, उसे आशीर्वाद दें, उसके लिए जो है हम शुभकामना व्यक्त करें, या हम उसको अभिशाप दें, अभिशाप मतलब उसके लिए कुछ बुरा भगवान से उसके लिए प्रे करें कि उसका गलत हो जाए, तो इस तरह के वाक्यों में भी मित्रों क्या यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाएगा। कैसे यूज होगा देखिएगा, हमारे पास रूल वही फॉलो करना होगा, मे सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, भगवान आपकी रक्षा करे, हम यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि भगवान आपकी रक्षा करे, यानी कि मैं आपके लिए शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं, आपके लिए दुआ दे रहा हूं आपको, तो यहां मे का यूज होगा, सबसे पहले मे, मे सब्जेक्ट कौन है मित्रों, भगवान, काम कर रहे हैं तो मे गॉड, मे गॉड। अब काम क्या कर रहे हैं, रक्षा करना, वर्ब क्या है, रक्षा करना, प्रोटेक्ट, पी आर ओ टी ई सी टी, प्रोटेक्ट, और आपकी के लिए यू, और लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लग जाएगा, ठीक है, कुछ लोग यहां फुल स्टॉप का भी यूज करते हैं। देखिए, भगवान करे आपको सफलता मिले, इन दोनों वाक्यों में थोड़ा अंतर है, इसको समझेंगे। जब किसी वाक्य में ये दिया हो भगवान करे, ईश्वर करे या परमात्मा करे, इस तरह के शब्द दिए हो, तो मित्रों इन शब्दों की इंग्लिश नहीं लगती है, इंग्लिश बनाते वक्त इनकी इंग्लिश नहीं लगेगी। भगवान करे, इन शब्दों, जब भगवान के बाद करे दिया हो, ईश्वर करे दिया हो, तब इन शब्दों की इंग्लिश नहीं लगेगी, मतलब गॉड शब्द वहां पर यूज नहीं होगा। अब यहां पर है भगवान करे आपको सफलता मिले, तो यहां सबसे पहले मे का यूज होगा, रूल यही फॉलो करना है, मे का यूज हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मे यू। फिर काम क्या हो रहा है, मिलना, मिलना माने गेट, मे यू गेट, और क्या मिले आपको, सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, मे यू गेट सक्सेस। यहां हमने गॉड का यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर हमें क्षमा करे, ईश्वर हमें क्षमा करे, हम मे का यूज करेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, ईश्वर है, तो ईश्वर है तो अब गॉड आएगा, तो मे गॉड, मे गॉड।
काम क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, क्षमा करने का। तो मे गॉड फॉरगिव, फॉरगिव अस, हमें क्षमा करे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर करे तुम्हारी दीर्घ आयु हो। फिर ईश्वर करे आया है, तो यानी कि इसको हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मे। सब्जेक्ट कौन है, दीर्घ आयु किसकी होगी, तुम्हारी दीर्घ आयु हो, मतलब तुम लंबा जियो, तो मे। फिर सब्जेक्ट आएगा यू, मे यू, और वर्ब क्या है, लिव, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए, आप हमेशा खुश रहो, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आप हमेशा खुश रहो, मैं आपको दुआएं दे रहा हूं, आप हमेशा खुश रहो मित्रों, सबसे पहले मे लगेगा, मे। फिर सब्जेक्ट कौन है, आप रहेंगे खुश, तो मे यू ऑलवेज, ऑलवेज। फिर वर्ब क्या है, बी, बी माने होना, रहना, बी हैप्पी, बी हैप्पी। नेक्स्ट है, भगवान करे वह मर जाए, भगवान करे की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, और यहां पर हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, भगवान करे वह मर जाए वगैरह वगैरह ऐसा, तो भगवान करे के लिए उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे मित्रों, मे। अब सब्जेक्ट कौन है, वह मर जाए, तो ही, मे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डाई, मे ही डाई, इस तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी। नेक्स्ट है, आप सभी नर्क में जाओ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब सेंटेंस है, तो आप सभी नरक में जाओ। अब हम किसी के लिए इस तरह बोल रहे हैं, तो अब यहां पर क्या है, आप सभी नरक में जाओ, हमने गलत बोला किसी के लिए, अभिशाप दिया, मे से यूज, मे से शुरुआत होगी, मे। फिर कौन है, आप सभी, तो यू ऑल, मे यू ऑल। अब क्या है, वर्ब क्या है, जाना, गो टू हेल, नरक के लिए हेल। इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस है। लास्ट है, भगवान करे उसका नाश हो जाए, किसी के लिए हम बुरा बोल रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं मित्रों, गलत बोलने के लिए भी यही यूज होगा, भगवान करे आपका नाश हो जाए। कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मैं मे का यूज अच्छे से समझा पाया हूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद मित्रों।